वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन सबको जय यीशु की। प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो महान है, सर्वशक्तिमान है, अगम्य है, सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। वो मनुष्यों के हृदयों की थाह लेता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसने इंसान को बनाया और इस पृथ्वी पर उसे संपूर्ण रूप से अधिकार दिया और कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और इसको अपने अधीन कर लो। प्रियजनों, जिस परम पिता ईश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, आज उसके नाम पर मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। तो स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 14 पद संख्या 2, कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे जाने और उससे प्यार करे और उसके साथ रहे। देखिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि इंसान को, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो ईश्वर को जाने, वो उसे अनुभव करे, वो उसके साथ रहे और उसे प्यार करे। इंसान के विषय में परमेश्वर की यही इच्छा है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें और भी स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप अपनी प्रार्थनाएं निरंतर प्रभु को समर्पित करें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हम देखते हैं कि इंसान ने हर स्तर पर ईश्वर को जानने का प्रयास किया है और अब भी वो इसी काम में लगा रहता है। वो परमेश्वर की खोज में तप करता है, तपस्या करता है, पहाड़ों पर जाता है, उपवास करता है, समाधि में बैठता है और वो ईश्वर को खोजने की कोशिश करता है। बात यहाँ पर ये है कि जब तक परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट ना करे, कोई भी उसे खोज नहीं सकता, कोई भी उसका अनुभव नहीं कर सकता। प्रियजनों, इस सृष्टि में रंग बिरंगे फूलों को देखें। इस सृष्टि को परमेश्वर ने किस तरह से सजाया है, वो कितनी सुंदर है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने इस तरह के रंग जीव जंतुओं पर और इस सृष्टि के पेड़ पौधों को प्रदान किए हैं, जिसके विषय में मैं और आप सोचने में असमर्थ हैं। तो जिसने इन तमाम चीज़ों को बनाया, जो अपरंपार है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो अगम्य है, वो मेरी और आपकी सोच के परे है, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मैं कई मर्तबा ये कहता हूँ कि ईश्वर जितना बड़ा है, वो जितने बड़े काम कर सकता है, हमें उसी तरह से उसे देखने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो एक घर के कोने में लाकर स्थापित कर दी जाए। हम लोग अपने घर में परमेश्वर के लिए एक जगह निर्धारित करते हैं, कभी कभी हम उस जगह को देखते तक नहीं हैं। कभी कभी इंसान उस जगह में, उस दर्शन कक्ष में जाना भी भूल जाता है और ईश्वर का आदर नहीं करता है। इसलिए प्रभु भी, प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य का आदर नहीं करता है। तो जब इंसान परमेश्वर की हजूरी में आकर उसके विषय में सोचता है, उसके दर्शन चाहता है, तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा दिखाता है। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट ना करे, तब तक
कोई भी ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता और उसे जान नहीं सकता। आज से 2022 वर्ष पहले यीशु मसीह, जो परमेश्वर का रूप लेकर इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने लोगों को पिता के दर्शन कराए। ईश्वर कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, उसकी महिमा कैसी है, प्रभु यीशु ने अपने तमाम चिन्ह चमत्कारों और अपने सेवा के कार्यों के द्वारा, अपने क्षमा के गुण के द्वारा, प्यार के गुण के द्वारा लोगों को ये बताया कि परमेश्वर कैसा दिखता है और वह कैसा है। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसे अदन वाटिका में रखा, अपनी संगति में उन्हें रखा। अदन वाटिका में जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो वे ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए और परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका में से निकाल दिया। परंतु ईश्वर को इससे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह आदम की संगति से जुदा हो जाए। इसलिए विधि के विधान में परमेश्वर ने योजना बनाई कि आदम के साथ जो रिश्ता टूट गया है उसे किस तरह से पुनः स्थापित किया जाए। और इसी के अंतर्गत परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। क्योंकि परमेश्वर सदा एक रूप रहता है, वो युगानुयुग बना रहता है, इसलिए उसने प्रभु यीशु को इस दुनिया के लिए निछावर कर दिया। परमेश्वर ने इस कायनात को इतनी मोहब्बत की, इस जहां से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया। तो इंसान थोड़े समय के लिए इस दुनिया में रहता है और ये थोड़ा समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जीवित है और अनुग्रहकारी है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो परमेश्वर जो सत्य प्रतिज्ञ है आपसे और मुझसे ये कहता है कि निराश मत हो, ढारस रख, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और विश्वास के योग्य है, लेकिन कई लोग इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। एक घटना के द्वारा हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दो दोस्त थे, एक किराना की दुकान चलाता था तो दूसरा मक्खन बेचता और अपनी जीविका अर्जित किया करता था। तो यह दोस्त किराना की दुकान पर जाता और 1 किलो मक्खन अपने दोस्त को देता और किराना का सामान वहाँ से लेकर चला आता था। एक दिन उसने देखा कि मक्खन 1 किलो नहीं परंतु 800 ग्राम है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरे मित्र ने मुझसे धोखा क्यों किया है, और उसने उसे बुलाया और अपनी नाराज़गी जाहिर की। तो उसके मित्र ने, जो मक्खन बेचता था और उससे जीविका चलाता था, अपने मित्र से कहा, क्षमा करना दोस्त, मेरा तराजू खोटा है, उसका बाट भी खोटा है। मैं तो 1 किलो मक्खन आपकी 1 किलो दी हुई चीनी के द्वारा तोलता हूँ और उसे लाकर तुम्हें दे देता हूँ। प्रियजनों, इस घटना से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। वो जैसा दूसरों के साथ करता है वैसा ही उसके साथ भी होता है। यदि इंसान अच्छाई बोता है तो उसके जीवन में अच्छाई ही पनपती है, और यदि वह बुराई करता है तो उसके बदले में उसे बुराई ही मिलती है। जिस तरह से इस दोस्त ने, जो किराना की दुकान चलाया करता था, उसका तराजू खोटा था और वह 1 किलो चीनी नहीं परंतु 800 ग्राम चीनी उसमें तुल कर जाती थी, और उसका दूसरा दोस्त उसी चीनी को, प्यारे भाइयों और बहनों, बाट बनाकर 1 किलो मक्खन तोल देता था और अपने मित्र को लाकर दे दिया करता था। आज मुझे और आपको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में दुख इन्हीं बातों के कारण है, चिंताएं इन्हीं बातों के कारण है। बहुत से लोग अवसाद से पीड़ित हैं, अटैचमेंट की वजह से बहुत सारे लोग
दुखी हैं। सांसारिक चीजों पर आसक्ति के कारण वो बहुत सारी चीजों के कारण परेशान हैं। तो द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, दुख का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है, मोह है। मेरे हर दुख का कारण मोह कैसे हो सकता है? जब इंसान अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है और उससे निकल नहीं पाता है तो वह दुखी होने लगता है। तो आज की सबसे पहली बात यह है कि सब दुखों का कारण मैं और मेरा बंधन है। सब दुखों का कारण मैं और मेरा बंधन है। एक व्यक्ति पेड़ को पकड़कर चिपक गया और चिल्लाने लगा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गुरु और शिष्य दोनों वहां से जा रहे थे तो शिष्य बोला, गुरुजी हमें इस व्यक्ति की कुछ मदद करनी चाहिए। गुरु ने उससे कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसने स्वयं इस पेड़ की डाल को पकड़ रखा है। यही बात मेरे और आपके जीवन में है। हम लोग उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना नहीं चाहते हैं जो मेरे और आपके लिए दुख का कारण है, जो इंसान के लिए दुख का कारण है। यदि आप उन चीज़ों से अपने आप को विमुख कर लें तो मैं समझता हूँ कि परिवार में और घर में आनंद अवश्य आएगा। अब मकड़ी को ही देखिए कि मकड़ी जो जाल बनाती है वह उसी में फंसकर स्वयं मर जाती है। एक दिन वही जाल उसके लिए फंदा बन जाता है और उसे मृत्यु देता है। इसी तरह प्यारे भाई प्यारी बहन, इंसान ने भी अपने लिए ऐसे रिश्ते बनाए हैं, जब वो उन रिश्तों में फंस जाता है, जब उन बुराइयों में वो फंस जाता है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो या फिर गलत रिश्तों की समस्या हो, जब इंसान इन दुखों में फंस जाता है तो उससे बाहर आने का रास्ता उसे नहीं सूझता और वह दुखी होने लगता है। एक तीसरा उदाहरण शहद में गिरी हुई मक्खी का। मक्खी शहद में जाकर बैठती है, उसका स्वाद लेना चाहती है, लेकिन यदि वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठ जाती है तो कुछ ही समय में उसके पंख शहद से गीले हो जाते हैं और वह उड़ने का प्रयास करती है लेकिन वह उड़ नहीं पाती हैं। आज इंसान के जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं हैं कि इंसान जब बहुत सारा आनंद सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त करना चाहता है, इन सांसारिक चीज़ों पर आसक्त रहना चाहता है तो वह उसी में फंसकर नष्ट हो जाता है। प्रियजनों, आज एक महत्वपूर्ण बात प्रभु आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम लोग ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। हम सांसारिक माया मोह में ना फंसें, सांसारिक चीज़ों पर आसक्त ना रहें, परमेश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान दें। ऐसे ही जब मन बहुत सी आशाएं करता है और वो आशाएं पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, दुख आता है और हम उससे बच नहीं पाते हैं। तो आज के वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हर प्रकार के लोभ लालच से आप लोगों को आज़ाद करें, हर प्रकार के धन माया मोह में फंसने से आपको बचाए। जब व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि मेरे सारे दुखों का कारण जो है ये आसक्ति है, अर्थात अटैचमेंट है, तो प्यारे भाई प्यारी बहन, उसको अपने आप को इन तमाम बुराइयों से जुदा होने की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय में प्रेम, दया और संतोष का और संतुष्टि का भाव उत्पन्न कर, मुझे आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का रास्ता दिखा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। आमीन।